नमस्कार साथियों, जिला यमुनानगर में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बेमौसमी बारिश के चलते यमुना नदी उफान पर है। जिला यमुनानगर के कैथ मंडी, लापरा, साबापुर, कलानौर और साथ ही साथ लगने वाले दर्जन गांव में जलमग्न की समस्या जो है सामने आ रही है। जी हां, गांव के अंदर जलमग्न की समस्या के चलते गाँव वालों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ गाँव के साथ अगर बात करें खेतों की, तो खेतों में भी जलमग्न की समस्या सामने आ रही है। किसानों की साल भर की जो मेहनत है, जो फसलें हैं, पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। और हरियाणा सरकार के आगे जो ग्रामीण लोग हैं वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि आने वाले समय में जल्द से जल्द उन्हें जो है मुआवजा दिया जाए, ताकि वो प्रकृति की इस मार को झेल पाएं। तो आगे के तमाम मामले की जानकारी के लिए जो ग्रामीण लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो अपील करते हैं आप सभी से, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तमाम मामले की जानकारी के लिए यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहें। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी का दिखा बड़ा असर। यमुना के पानी से दर्जनों गांव हुए जलमग्न। यमुना नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से यमुनानगर के कई गांवों को खतरा बना हुआ है। दर्जनों गांव के खेत जलमग्न हो चुके हैं। कैथ मंडी गांव के स्कूल से लेकर लापरा गांव की तरफ जाने वाला रास्ता भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। अब ग्रामीणों को गाँव में पानी घुसने का डर सता रहा है। जी हां, एक तरफ यमुना नदी में जहां साल 2022 का सबसे ज्यादा पानी सोमवार को रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं अब यमुना नदी के साथ लगते यमुनानगर के निचले इलाकों में यमुना नदी उफान मचा रही है। सुबह 5 बजे एक जहां यमुना नदी में हथनीकुंड बैराज पर 2,97,000 क्यूसिक पानी दर्ज किया गया था, तो वहीं यमुनानगर के लापरा, कैथ मंडी, साबापुर के साथ साथ कलानौर और दर्जनों गाँव के खेतों में यमुना नदी के पानी ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। कैथ मंडी गांव के स्कूल में भी लबालब पानी भरा हुआ है। वही कैथ मंडी से लापरा की तरफ जाने वाली सड़क पर खेतों से निकलकर पानी सड़कों पर पूरी तरह से आ चुका है और सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले तो किसानों को अज्ञात बीमारी की मार झेलनी पड़ी थी, वहीं बरसात में फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब यमुना नदी के पानी से खेत जलमग्न हो चुके हैं और फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं और नदी के पानी में तरह तरह के जानवर भी बहकर आ रहे हैं। उन्होंने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि किसान प्रकृति की इस मार को झेल पाएं। बात करें तो यमुना नदी में जब 70,000 क्यूसिक पानी आ जाता है, तो उसके बाद मिनी फ्लड घोषित कर दिया जाता है, लेकिन जब 2,50,000 क्यूसिक पानी आ जाता है, तो उसके बाद अलर्ट घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद गाँव में पानी घुसने का खतरा हर समय बन जाता है। हालांकि अभी 2,97,000 क्यूसिक पानी आने के बाद भी गाँव में तो पानी नहीं घुसा है, लेकिन खेतों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो तमाम मामले की जानकारी के लिए जो ग्रामीण वासी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल इस समय की बड़ी अपडेट आपको यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिला यमुनानगर में पिछले कई दिनों से बेमौसमी लगातार जो बारिश हो रही है, इसी बारिश के चलते बहुत से गाँवों में जलमग्न की जो समस्या है वो सामने आ चुकी है। जल भराव किस कदर से आप लोगों के सामने तस्वीरें लेकर आए हैं कि किस तरह से ग्रामीण वासियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की जो खेतों की फसलें हैं वो पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं और जिला पुलिस प्रशासन के आगे जो ग्रामीण वासी हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि आने वाले समय में उन सभी को मुआवजा दिया जाए। फिलहाल इस समय की लगातार तस्वीरें आपको यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। अपील करते हैं आप सभी से, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी का दिखा बड़ा असर। यमुना के पानी से दर्जनों गाँव हुए जलमग्न। यमुना नदी में पानी का स्तर बढ़ने से यमुनानगर के कई गाँवों को खतरा बना हुआ है। दर्जनों गांव के खेत जलमग्न हो चुके हैं। कैथ मंडी गांव के स्कूल से लेकर लापरा गांव की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। अब तो ग्रामीण वासियों को गांव में पानी घुसने का डर लगातार सता रहा है। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ यमुना नदी में जहां साल 2022 का सबसे ज्यादा पानी सोमवार को रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं अब
यमुना नदी के साथ लगते यमुनानगर के निचले इलाकों में यमुना नदी उफान मचा रही है। सुबह 5 बजे जहां यमुना नदी में हथनीकुंड बैराज पर 2,97,000 क्यूसिक पानी दर्ज किया गया, तो वहीं यमुनानगर के लापरा, कैत, मंडी, साबापुर के साथ साथ कलानौर और दर्जनों गांव के खेतों में यमुना नदी के पानी ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। कैत मंडी गांव के स्कूल में भी लबालब पानी भरा हुआ है। वहीं कैत मंडी से लापरा की तरफ जाने वाली सड़क पर खेतों से निकल कर पानी सड़कों पर आ चुका है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले तो किसानों को अज्ञात बीमारी की मार झेलनी पड़ी और वहीं अब बरसात में फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन अब यमुना नदी के पानी से खेत जलमग्न हो चुके हैं, फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। नदी के पानी में तरह तरह के जानवर भी बहकर आ रहे हैं। उन्होंने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि किसान प्रकृति की इस मार को झेल पाए। तो अपील करते हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। उसकी वजह से स्थिति हुई और पानी आया भी एकदम अचानक ही, कोई तलन थी इससे पहले हमारे पास। कब से बह रहा है ये? तो सुबह से आ रहा, 9 बजे से पानी तो आया, लेकिन इसकी तलन नहीं थी किसी प्रकार की, पानी आवा का उम्मीद भी नहीं यहाँ तक थी भी यहाँ तक पानी आ जाएगा। और जो पहली बार हुआ है ऐसे? पहले भी आता है, 2018-19 में लगातार आया। किस तरह का नुकसान हुआ है? नुकसान फसलों का नुकसान है बहुत भारी। किसान पहले से परेशान है बहुत ज़्यादा, काफ़ी बीमारियाँ थी पहले भी, पता नहीं क्या वायरस थे वहाँ खत्म हो गए थे, फिर लगातार 4 दिन बरसात हुई। इससे पहले भी हमारी जीरियों में जो नुकसान है जामने लगी थी, ये जो थोड़ी बहुत ही बची थी कुछ उम्मीद थी कि वो पानी ने पूरी कर दी। सुनील कुमार, मैं गांव साबापुर का रहने वाला हूँ और हमारे गांव में जो पीछे गांव से ऊपर पूरा एरिया है एग्रीकल्चर का, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है और वो जो जीरी थी फसल थी वो लगभग पूरी खराब हो चुकी है और पानी अभी बढ़ रहा है, पानी अभी कम नहीं हो रहा है। किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान है और हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि किसानों को इसका कुछ मुआवजा दिया जाए, जिससे किसान पहले बहुत परेशान है उसका थोड़ा बहुत और नुकसान जो है वो रिकवर हो सके। बाकी ये यमुना का पानी है बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। हैं जी? नहीं, घरों में पानी नहीं है, अभी खेतों में पानी है गांव साबापुर में, घरों में पानी नहीं है और पानी बढ़ रहा है। मौसम अभी तो खराब है, मौसम खराब है, अगर और बारिश होगी पीछे से और पानी आ गया तो गांव में पानी घुस जाएगा, फिर पानी गांव में घुसने से नहीं रुकेगा। अभी गांव को पानी टच कर रहा है, अंदर गांव में नहीं बढ़ा, गांव के ऊपर जो गली बनी वहां तक रुका हुआ।